तो दोस्तों Redmi K30 के स्पेक्स फाइनली रिलीज़ हो गए हैं। ये निकलेगा 10 दिसंबर को और इसमें काफ़ी सही सही स्पेक्स है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना पूरी चीज़ें जानने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और मैं इस चैनल में बात करता हूँ टेक और उससे सराउंडिंग न्यूज़ के बारे में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैंने 32 डेज से लगातार अपलोड किया और मेरे कुछ हो गए 102 सब्सक्राइबर्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट करना। आई फील वेरी इंकरेज्ड व्हेन यू सब्सक्राइब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रेडमी K30 प्रो के स्पेक्स के बारे में। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि K20 प्रो अभी भी रिलीज हुआ था, काफ़ी सही फोन था। उसके पीछे का जो बैक का ग्लास था वो तो बहुत ही सही दिखता था। उसमें टॉप नॉच स्पेक्स है, 855 प्लस प्रोसेसर था और बहुत अच्छे अच्छे कलर्स में आता था। तो बेसिकली जो K30 रहेगा उसमें भी बहुत सही स्पेक्स रहेंगे। अगर आपको डेप्थ में जाना है तो उसमें 64 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर रहेगा। ये बेसिकली सोनी का IMX686 प्राइमरी सेंसर रहेगा। इसका जो मेन की फीचर है कि इसमें 12 एंटीने रहेंगे और ये 5G इनेबल्ड रहेगा। तो बेसिकली क्या है, इसकी प्राइस पॉइंट काफी कंपेटिटिव रहेगी बाकी मार्केट के हिसाब। ये रहेगा 25,000 से 30,000 के बीच में। तो आप अगर नेक्स्ट ईयर मार्केट में रहेंगे फोन लेने के, तो प्लीज इस चीज को एक बार लुकआउट करना कि बहुत सही है आपके प्राइस के लिए। उसके बाद हम बात करें तो इसमें जो 64 मेगापिक्सल का कैमरा मैंने बताया, उस कैमरे में f1.8 का अपर्चर रहेगा। दूसरी बात करें तो Xiaomi ऐसा ये भी क्लेम करी कि ये दुनिया का वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई रेजोल्यूशन इमेज सेंसर रहेगा, लाइक उन्होंने ऐसा कोट किया है। दूसरी बात करें तो इसमें बाकी कैमरे 8 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल और 2K मेगापिक्सल के रहेंगे। अभी तक हमको लीक से ये पता नहीं है कि कौन सा कैमरा कहाँ रहेगा। तो मेरे को आई होप कि 8 मेगापिक्सल का जो सेंसर है वो सेल्फी शूटर रहेगा और ये 5 और 2 मेगापिक्सल बेसिकली डेप्थ या अल्ट्रा वाइड हो सकता है। इसमें रहेगा 6.67 इंच की LED स्क्रीन, काफ़ी सही स्क्रीन रहेगी। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्वाड HD तो नहीं होगी, बट 1440p की स्क्रीन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जो इसमें मेन डिज़ाइन में ये फीचर है कि जो S10 प्लस जो आया जिसमें नॉच रहता है सामने में, जो राइट साइड ओरिएंटेड डुअल कैमरे वाला जो सेल्फी नॉच रहता है, नॉच नहीं बोलना चाहिए इसको, होल पंच कैमरा है एक्चुअली, नॉच तो अलग ही चीज़ हो जाती है, बट ये होल पंच कैमरा रहेगा। ये बेसिकली पूरा उस डिज़ाइन का कॉपी रहेगा। तो देखते हैं, देखो जब वो लॉन्च हुआ था तो काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा हाइप थे कि बहुत अच्छा डिज़ाइन है, तो ये अब बजट में आ गया तो आप इसको ले भी सकते हो। रेडमी K30 में भी फ्रॉस्टेड ग्लास बैक रहेगा जैसा K30 प्रो और OnePlus 7T में था। अगर आपको वो लुक पसंद है तो आप उस चीज़ को प्रेफर कर सकते। इसमें चार्जिंग की बात करें तो इसमें 4500mAh की बैटरी रहेगी और इसमें 30W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट रहेगी। आपको आउट ऑफ द बॉक्स 30W का चार्जर भी मिलता है। आखिर जो हमारी सबसे मेन चीज होती है, K30 में रहेगा Qualcomm Snapdragon का 767 5G SoC। बेसिकली अगर आप K30 Pro जो आएगा कुछ दिनों बाद उसमें अगर आप जाओगे तो उसमें आपको 865 मिल सकता है, वो बेसिकली 855 का सक्सेसर हुआ और काफी ज्यादा फास्ट रहेगा। उसमें वन टॉप्स की स्पीड है, लाइक वन टॉप्स इज लाइक 1 ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड, तो काफी ज्यादा फास्ट रहेगा। और उसमें 8K at 60 FPS या 4K at 120 FPS वाले फीचर्स रहेंगे, जो बेसिकली देखते हैं अब कितना आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट तो रहेगा ही। तो दोस्तों ये रही मेरी समरी कि K30 Pro जो 10th ऑफ दिसंबर को लॉन्च होगा वो कैसा रहेगा, उसके स्पेक्स कैसे रहेंगे। बेसिकली आप इसको प्री ऑर्डर कर सकते हो, मोस्ट प्रोबेबली Amazon में एक्सक्लूसिव रहता है। तो आपको क्या लगता है, क्या आप लेंगे इस फोन को, प्लीज मेरे को ये कमेंट में बताना। मेरा नाम है आयुष और हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।